जवाजा पंचायत समिति के पंचायत समिति सदस्य के वार्ड 6 के लिए उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान करवाया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए गुरुवार को ब्यावर SDM कार्यालय पर प्रशिक्षण के उपरांत पोलिंग पार्टियों को संबंधित वार्ड के लिए रवाना किया गया। उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह ने बताया कि जवाजा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 के लिए पंचायत समिति सदस्य के लिए शुक्रवार को मतदान करवाया जा रहा है। चुनाव के लिए टारगेट तथा मालातों की बेर में 5-5 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन सभी पोलिंग बूथों के लिए 10 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। SDM सिंह ने बताया कि शुक्रवार को मतदान सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के दौरान निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान के लिए सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान के बाद तहसील परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में EVM मशीनें जमा की जाएगी। 27 नवम्बर को मतगणना के पश्चात परिणाम घोषित किया जाएगा। पंचायत समिति सदस्य की चुनाव है, यहाँ पे टाटगढ़ और मालातो की बेर में वोटिंग होनी है। 10 बूथ हैं और इसका चुनाव कल होना है 25 तारीख को और काउंटिंग 27 को होगी। तो उसके लिए आज उपखंड कार्यालय से सारी टीम्स को रवाना कर दिया गया है। इनकी प्रॉपर 2 घंटे ट्रेनिंग हुई है, जिसमें EVM का ऑपरेशन, सारे प्रोटोकॉल्स कैसे मैनेज करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए सारे नियम और प्रोटोकॉल्स की पालना अच्छे से हो, इसके बारे में बताया गया है। कल वोटिंग शुरू होगी 8 o'clock से और शाम के 5 o'clock तक चलेगी। टाटगढ़ और मालातो के बेर में 5-5 पोलिंग बूथ ईच हैं, अतः 5-5 पोलिंग पार्टीज गई हैं यहाँ से, और इसकी मॉनिटरिंग उपखंड लेवल से की जाएगी और कॉन्टिन्यूस डेटा ऊपर भेजा जाएगा। रिजल्ट 27 को आएगा और जो स्ट्रांग रूम है वो तहसील कार्यालय में बनाया गया है। इसके लिए जोनल मैजिस्ट्रेट को भी नियुक्त कर दिया गया है, जो कि तहसीलदार ब्यावर होंगे, और ब्यावर पुलिस के द्वारा पर्याप्त जाप्ता भी आदेश अनुसार